यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. राइट आंसर के लिए मार्क्स जो उसको मिल रहे हैं दैट आर 3 एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट के लिए वो -1 मार्क लूज कर रहे हैं. टोटल जो उसने मार्क्स स्कोर किए दैट इज 40. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. बिल्कुल ठीक है. सेकेंड, यस, 3x फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 40. हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज 3 एंड इनकरेक्ट आंसर्स इज करेक्ट आंसर्स इज x एंड इनकरेक्ट आंसर्स इज y. तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40. सेकेंड इक्वेशन विल बी 4x माइनस 2y इक्वल टू 50. ये आपका पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था इस केस स्टडी का. नाउ द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन. अब ये मैट्रिसेस के फॉर्म में हमें गिवन है. दिस इज 1, 3, 1, 2 एक्स वाई 40, 25. देन बी पार्ट है आपका 3, 2, 1, 1 एक्स वाई 40, 25. देन सी पार्ट है 1, 1 -3, -2 एक्स वाई 40 एंड 25 एंड डी ऑप्शन इज 3, 2, -1, -1 अगेन एक्स वाई 40 एंड 25. थ्री, एक सेकेंड, यहां माइनस वाई था. अब बताओ 3 -1 और 4 -2. अच्छा, इसको रीराइट कर सकते हैं, 2 कॉमन है. तो दिस कैन बी रिटन एज 2x - y = 25. अब दोनों को कंपेयर करके बताओ कौन सी ऑप्शन विल बी योर आंसर. 3 -1, 2 -1, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. Now using matrix method, find the number of right answers given by Yash. अच्छा, अब इसमें बच्चे क्योंकि आपको सिर्फ MCQs के answers देने हैं, तो you can directly simplify these equations. No need कि उन्होंने कहा कि using matrix method, multiplication method या जो भी method उन्होंने कहा, तो no one is going to see your rough work. So you can calculate it in the way that you have done in your 10th standard also, and then you can find out the value of x and y. वैसे जो सिलेबस आया है उसमें जो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दैट हैव बीन डिलीटेड, बट क्योंकि सैंपल पेपर्स में गिवन है सो वी आर डिस्कसिंग, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. अब जो नेक्स्ट हमें गिवन है दैट इज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. सेम क्वेश्चन यू वर हैविंग इन योर 10th स्टैंडर्ड क्लास, 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, सो यू कैन गिव द आंसर. तो आप इसको 10th वाले मेथड से करके भी आंसर्स दे सकते हो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सिंप्लीफाई एंड टेल. हरी अप, एक्स 15 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ करेक्ट जो है आंसर्स दैट इज 15. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट वाई आपका जो है वो 5 आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर्स 15, इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय यश इज 5 एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्स प्लस वाई दैट इज 15 + 5 = 20. सो दिस विल बी योर आंसर.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन दिस इज अ केस स्टडी. उससे पहले आपको जो है आपकी जो थियरी वाली इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन टू यू. माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स आईथ रो एंड द जेथ कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज एंड इज डिनोटेड बाय एम आई जे. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे इज डिफाइंड बाय कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन इंटू आई प्लस जे एम आई जे. ये मैं सारा वैसे आपको बता देती हूँ, अदरवाइज मैं रीड करूंगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हमने माइनर और कोफैक्टर्स का कंसेप्ट किया हुआ है. एक मैट्रिक्स में जब हम माइनर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. जब हमने माइनर निकालना होता है, लेट अस सपोज कि मैं 13 का निकाल रही हूँ, तो व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम जिसमें वो लाई कर रहा होता है. 13 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. सो दिस इज A21, A32 एंड A31, A22. सो दिस कैन बी रिटन एज A21, A32 माइनस A31, A22. यही चीज अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना होता है, देन व्हाट वी यूज टू डू, कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस अकॉर्डिंगली साइन लगा देते हैं, या वी कैन से कि माइनस वन रेज टू पावर सम ऑफ दीस इनटू माइनस. ये चीज कर रहे थे हम निकालने के लिए, तो यही चीज उन्होंने जो है डिफाइन की हुई है इन द पैरा ऑफ द केस स्टडी. ये केस बना के उन्होंने दिया हुआ है और इसके साथ आपको ये भी गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स यानी कि जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर आपने कोफैक्टर लिया है तो उसको उसी रो और उसी कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हो. सेम वे में दिस विल बी गिवन बाय A12, A12, A13 एंड A13. सो दिस गिव्स यू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अब अगर इसके अलावा यानी कि यहाँ 11, 12 और 13 के साथ अगर आप उल्टा ले लेते हो कि कोफैक्टर आपने किसी और रो के लिए है, यहाँ C या A कुछ भी आप लिख सकते हो. I am writing it, denoting it by C, capital A भी otherwise you can use. तो अब ये चीजें अगर आपकी सेम नहीं होती हैं, देन आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जो है आपकी जीरो बनता है. यू कैन नॉट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. अब इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन हैं. फाइंड द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन 1, -2, 4, 3. इसके जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनका सम आपको निकालना है. तो क्या आएंगे कोफैक्टर्स बताओ पहले. तो इसको और इसको डिलीट करोगे 3, अगला -2, उससे अगला 4, उससे अगला 3. कोफैक्टर्स की बात हो रही है, साइन चेंज होंगे इनके. ये -4 और चेक करो कौन सा साइन मैंने गलत लगाया है. दिस इज 1. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, आर ऑल द कोफैक्टर्स करेक्ट? एक मैंने 3 निकाला, एक 2, एक -4 और एक 1.
ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। जब आपने ये डिलीट किया, ये आपका माइनस टू बन रहा है, माइनस इनटू माइनस विल प्लस टू। उसके बाद ये टू वाला डिलीट किया आपने, तो ये आपका फोर बन रहा है, प्लस का फोर इंटू दिस नेगेटिव साइन विल गिव यू माइनस फोर। उसके बाद ये वाला बन रहा है आपका माइनस टू हो गया, वन को डिलीट किया हमने तो थ्री बन रहा है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा इसका। देन वी हैव डिलीटेड दिस वन, वन बन रहा है उसके साथ प्लस है तो साइन प्लस रहेगा। ये हमारे आगे, अब इनका क्या करना था, हमने सम निकालना था। सो सम विल बी इक्वल टू थ्री टू फाइव प्लस वन सिक्स माइनस फोर, दैट इज टू। तो ऑप्शन जिस टू जो है दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद फाइंड द माइनर ऑफ ए टू वन, माइनर ऑफ ए टू वन। क्षितिज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनर बताना है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का, ए टू वन का। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। हाँ जी, माइनस, मुझे नहीं समझ आ रही, ऊंची बोलो। हाँ जी, ठीक है ठीक है, इट्स करेक्ट। अब इसी में सेम दे रही हूं मैं, इट्स माइनर जो हमारी फर्स्ट वाला था एक्सप्रेशन, उससे दैट विल बी माइनस टू। अब फाइंड द माइनर ऑफ टू वन फ्रॉम फाइव सिक्स माइनस थ्री, माइनस फोर थ्री टू, माइनस फोर माइनस सेवन एंड थ्री। Find the minor of 2, 1, second row and first column. इसको डिलीट कर दो, 6, 3s are 18, minus 21, so the answer will be minus 3. Next, in the determinant, अब अगेन आपका डिटर्मिनेंट चेंज है, ये इरेज कर दो। This is 2 minus 3, 5, minus 4, 3, 2, minus 4, minus 7 and 3. Find the, एक सेकेंड, स्टेटमेंट चेंज करो, यहाँ पे 6, 0, 4 and here we are having 1, 5, minus 7. Find the value of A, 3, 2 and A, 3, 2. एक यानी कि आपका जो है वैल्यू है डायरेक्ट, और दूसरा जो है कोफैक्टर है। यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट का साइन है, ए थ्री टू इंटू ए थ्री टू, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू एंड इट्स कोफैक्टर। ए थ्री टू, हाँ जी ठीक है, फाइव इंटू, ये फाइव आ गया। अब ये बताओ क्या आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्यों? ये देखो, फोर टू सा एट माइनस थर्टी, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस 22 बनेगा, क्लियर है कैसे? 4 2 8 -30 -30 कितना बना, -22, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस इनटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी
110. Now the next, if we are given the determinant as 538 201 123, then write the minor of A23. Minor of A23. ठीक है, इट विल बी 7. माइनर ऑफ A23 यानी कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो दिस इज 7. अब कल टेस्ट में जो है आपका एक क्वेश्चन था, समवन वाज आस्किंग मी, जो 35,000 वाला था, कि आप 35,000 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो. सो अगर आपने लेट अस सपोज कि फर्स्ट वाले में एक्स इन्वेस्ट किया, तो सेकेंड वाले में 35,000 माइनस एक्स आप इन्वेस्ट कर रहे थे, टोटल एनुअल जो आपका था वो 3200 मिल रहा था आपको. और सेकेंड हमने जो इंटरेस्ट मिल रहा था, दैट वाज 8% एंड 10%. 10 पहले था कि 8 पहले था, डू यू रिमेम्बर? 10. ओके, तो दिस विल बी 10/100 फर्स्ट वाले के लिए एंड दिस विल बी 8/100. अब यहाँ देखो, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 and this is a matrix of order 1/2. हमें एक सिंगल जो है वो चाहिए एंटिटी, तो इट मीन्स हम इस वाले को पहले रखेंगे और इस वाले को बाद में रखेंगे प्रोडक्ट लेते हुए, क्योंकि इसको हमें इक्वल टू 3200 जो है पुट करना है. सो 10/100 एंड 8/100. सो ये 2-2 आपका सेम आ गया, तो यू विल गेट अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर. दिस विल बी 10/100x प्लस 35,000 इनटू 8/100 माइनस 8x/100 एंड दिस इज इक्वल टू 3200. 10 - 8 2x/100 प्लस ये आपका कैंसिल आउट हो गया. So this 2x/100 is equal to 400. So x is equal to 400 into 100/2. So this is 20,000. Yani ki first wale mein jo hum amount karenge invest, that is 20,000. Second wale mein 35,000 minus 20,000. So 15,000. So C option bache, iska answer aana tha aapka 20,000 and 15,000. If anyone else is having any doubt in yesterday's test,